सहारनपुर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में किया धरना प्रदर्शन। सहारनपुर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनपद में धरना प्रदर्शन किया। सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहारनपुर कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने बताया, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार पर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है व महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, यहां तक कि खाने पीने के सामान पर आटे दाल पर भी जीएसटी लगा दी गई। पहले भाजपा पार्टी द्वारा 400 रुपए की गैस सिलेंडर पर धरना प्रदर्शन किया जाता था, आज 1100 रसोई गैस कीमत पहुँच चुकी है, लेकिन भाजपा पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। अब अगर भाजपा महंगाई और भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं देती तो कुछ ही समय में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में बातें कही गई हैं, बेहद निंदनीय है। हम लोग इन बातों का विरोध करते हैं। कांग्रेस ने तो न तो कभी पहले दबी है, न ही अब दब कर काम करेगी। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। आज हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज सहारनपुर जिले में और पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और दिल्ली में भी आज ये कार्यक्रम चल रहा है कि सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर पीएम हाउस तक हमारे जिले के कई नेता आज दिल्ली में भी गए हुए हैं। सहारनपुर जिले से हमारे जिला अध्यक्ष भाई मेहरबान चौधरी मुजफ्फर अली जी, हमारे सभी साथी आज दिल्ली में भी वहाँ पे गए हुए हैं। और हमारा आज का मेन उद्देश्य ये है कि गरीब मजदूर किसान युवा महिलाएं और बच्चे इस कदर परेशान हैं, ये केंद्र की भाजपा निकम्मी सरकार ये नहीं देख रही है कि इन्होंने आटे पे भी जीएसटी लगाने का काम किया है, हर चीज़ पे जीएसटी थोपने का काम कर रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, वो शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा, आप प्रेस के माध्यम से बात बताना चाहता हूं कि बैंकों में जो बैंकों के मैनेजर हैं, जब आप नया खाता खुलवाने जाते हैं तो थंब लगता है उसमें, बायोमेट्रिक जो चीज़ है, उस बायोमेट्रिक के जरिए आपके खाते से 80-80 रुपये अटल योजना के तहत ये गायब करने का काम कर रहे हैं। अब ये सोचो कि कई सौ करोड़ रुपया केंद्र के पास जमा होने का काम हो रहा है, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है। ये दोनों रंगा और बिल्ला, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, रंगा और बिल्ले का काम केंद्र के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ये चाह रहे हैं कि देश हमारे बाप की जागीर है, तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। हमें अगर अपनी गर्दन भी कटवानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हम दब जाएंगे, डर जाएंगे, तो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं दबेगा, नहीं डरेगा। राहुल गांधी की आवाज़, प्रियंका गांधी की आवाज़ और सोनिया गांधी जी की आवाज़, जिस तरह से संसद में एक केंद्रीय मंत्री ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ जो बदतमीजी करने का काम किया, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 400 रुपए का जब सिलेंडर था तो इनकी मां मर गई थी, सड़कों पर उतर कर इन्होंने आंदोलन करा। आज 1100 रुपए का सिलेंडर है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो क्या हिटलर चाहिए? आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटने का काम किया, उसमें गैस कौन भर के देगा? तो ये सब बातों को लेकर आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहारनपुर एक ज्ञापन प्रेषित किया है और उसमें जल्द से अगर ये मांगे यार ये इनकी हिटलर शाही बंद नहीं हुई तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा विराल रूप लेकर पूरे देश में आम जन के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी। धन्यवाद।